पहले तो बहुत सोचा कि क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए इस मूवी के बारे में, कैसे एक्सप्लेन करूं। फिर एट लास्ट में मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचा जो भी मन में आए, जो भी दिल में आए वो मैं लिख देता हूं एक बार, फिर बाद में उसको वीडियो जब ऑन होगी, जब वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं बोल दूंगा। तो वैसे ही मैंने किया। देखो जब मैंने ये सोचा कि लड़ाइयाँ तो बहुत होती हैं यार दंपत्ति के बीच में, यानी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो क्या हर लड़ाई का अंत तलाक ही होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। देखो मैं किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ यार, अगर बात करूँ तो मैं एक माँ बाप भी तो अपने बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं, तो क्या इस बात पे बच्चे माँ बाप से अलग हो जाएं। मैं बात कर रहा हूँ थप्पड़ मूवी की, जिसे डायरेक्ट किया अनुभव सिन्हा ने और जिसके अंदर कास्ट है तापसी पन्नू, पलवेल गुलाटी, तन्वी आजमी, राम कपूर, दिया मिर्जा, कुमुद मिश्रा और अन्य कलाकार। कहानी की अगर बात करूँ तो कहानी ये है कि एक अमृता जिसको प्ले किया है तापसी पन्नू ने, उसका एक हस्बैंड जिसे प्ले किया है पलवेल गुलाटी ने, जिनका नाम है मूवी के अंदर विक्रम। तो अमृता और विक्रम की जो लाइफ जो इसमें दिखाई गई है कि बहुत ही खुश एक जो वाइफ है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी समर्पित कर दी अपने हस्बैंड को, तो वो बहुत प्यार से रखती है, हर चीज़ को संभालती, पूरा घर उसने संभाला हुआ होता है। तो ये तो ट्रेलर में आपको देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि क्या है। काफ़ी टाइम हो गया वैसे मूवी आए हुए, अब इसमें स्टोरी भी बात करूँ तो इतना कुछ है नहीं कि भी इसमें स्पॉइलर बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक प्रमोशन मिलता है विक्रम को, उसे लंदन में जाना होता है, लेकिन उस प्रमोशन को लेके वो एक पार्टी रखता है अपने घर में, तो कुछ एक चीज़ें हो जाती हैं वहाँ, झगड़ा हो जाता है अपने बॉस से कुछ प्रमोशन को लेके। तो फिर इस बात पे वो जब लड़ाई कर रहा होता है तो विक्रम की वाइफ तापसी यानी अमृता आती है, उसे छुड़वाती है, कहती है कि मतलब कहती कुती कुछ नहीं, उसे हाथ पकड़ के पीछे की तरफ लेके जाती है। तो ये बात वो जब लेके जाती है तो उस वक्त विक्रम को बहुत गुस्सा होता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है, तो इस बीच वो एक थप्पड़ मार देता है तापसी को, जो बात इसको बर्दाश्त नहीं होती तापसी को कि भाई उसने उसे उसकी डिग्निटी यानी एक औरत की डिग्निटी को हर्ट कर दिया। तो वो इस बात से नाराज होती है, बहुत उसे भी बुरा लगता है कि क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो उसने इतना टाइम लगा दिया अपने इस घर में बनाने में, फिर उसे बिना सोचे समझे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये जो मूवी बनाई, इस मूवी के लास्ट में फिर ये का तलाक हो जाता है। तो ये एक कहानी है। देखो हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं, किसी जरूरी नहीं कि जो आपके विचार हैं वो मेरे साथ मिले और मेरे विचार हैं वो आपके साथ मिले, ऐसा इस मूवी के साथ है। खैर मैं ये बाद में बात करूंगा कि मूवी अच्छी है या बुरी है, लेकिन उससे पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें मुझे करनी है। अगर किसी को मूवी के अंदर औरत को अगर एम्पावर मतलब कि उनको पावरफुल दिखाना है तो दिखाओ यार, बेशक दिखाओ, कोई उसमें हर्ज नहीं है उस चीज़ का, लेकिन किसी को पावर दिखाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि पहले उसके साथ विक्टिम जैसा एक चीज करो, उनको विक्टिम कार्ड की तरह यूज करो, ऐसा मुझे ये मूवी देखते हुए फील हुआ था। ऐसा दिखाया जाना है कि अमृता का हस्बैंड यानी विक्रम जो पूरी तरह अमृता के ऊपर डिपेंडेंट है, इवन एक गीजर भी ऑन नहीं कर सकता वो, और यहाँ तक कि जब हाँ उसका हस्बैंड उसे थप्पड़ मारता है तो उस पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होते कि भी वो उसे रिग्रेट हो रहा हो या फिर वो माफी मांगे, ऐसा कुछ नहीं उसने उसमें दिखाया। जब आप में मूवी देख चुके होंगे तो उसके कुछ दिन बाद जरा सोचना इस मूवी की कहानी के बारे में, शायद आपको खुद महसूस होए कि ये मूवी क्या कहना चाह रही थी, एक औरत को जानबूझ के विक्टिम की तरह यूज करना। देखो मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ कि एक चाहे वो थप्पड़ हो, चाहे वो ज़्यादा ही मार पिटाई हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो, मैं उस चीज़ का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो विक्रम ने जो किया यानी पलवेल गुलाटी ने जो किया इस मूवी में, कि भाई जो उनका रोल था थप्पड़ मारा वो सही था या वो गलत नहीं था, मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ। देखो हमारे देश में जो हमारी संस्कृति है उसके अंदर महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता है, बहुत उन्हें एक देवी का दर्जा दिया जाता है, और जो उस पर हाथ उठाता है तो मेरी नज़रों में तुम उसे नामर्द ही समझता हूँ। एक कमज़ोर आदमी की निशानी यही होती है कि वो औरत के ऊपर चिल्लाता है, और ना ही मैं यहाँ पे ये चीज़ लेके बात कर रहा हूँ कि एक थप्पड़ मारा, मैं बात यहाँ पे रिश्ते की कर रहा हूँ, एक जो एक हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता है उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ कि एक थप्पड़ से एक रिश्ते ख़त्म नहीं होते, एक थप्पड़ से प्यार ख़त्म नहीं होता। मैं फिर कह देता हूँ, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ थप्पड़, हर एक
हर एक इंसान की अपनी एक डिग्निटी है, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो वहाँ पे एक औरत जो चाहे कि भी थप्पड़ मार लिया कि वो सहले ऐसी चीज़ें वो करें, नहीं भाई नहीं सहे यार ना सहे, लेकिन क्या रिश्ते इस चीज़ पे ख़त्म हो जाते हैं? बस ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाई। हाँ बहुत से लोगों को मूवी पसंद आई है, ऐसा कुछ नहीं है कि मूवी कईयों को पसंद नहीं है, बहुतों को पसंद आई, लेकिन बहुतों में हर कोई तो नहीं आता। मेरे हिसाब से मूवी स्ट्रोंग हो सकती थी, बहुत सारे स्ट्रोंग प्लॉट हैं अगर वो यूज़ करते कि बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस, या आप घर में जाके देखते हो या ऑफिस वर्क में ऑफिस प्लेस में जाके देखते हो जहाँ पर महिलाओं के साथ कैसे सेक्सुअल हैरासमेंट होता है वहाँ ये चीज़ें होती हैं, या आप घर में किसी के देखो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। ये नहीं कहते कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, होती हैं, इवन पढ़े लिखे मॉडर्न वालों में ये चीज़ें होती हैं, ये नहीं कहूँगा कि वहाँ नहीं होती, एजुकेटेड बंदे तो बहुत करते हैं, ऐसा मैंने खुद देखा हुआ है। और ये सोच भी मैंने बहुत व्यापक रूप से देखी है कि जब एक लड़के की शादी होती है तो उसके जो लड़के जो दोस्त होते हैं वो उसको यही सलाह देते हैं कि जो भी तेरी धर्म पत्नी उसे दबा कर रखी हो, क्योंकि अगर ये तेरे सर पे चढ़ जाएगी तो घर का नाश हो जाएगा। तो ऐसी सोच है, तो मुझे लगता है कि यार वो जो चीज़ें थी, इतनी जो चीज़ें हैं हमारे समाज में, जो इतनी गलत चीज़ें दिखाई गई हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, पनप रही हैं, उनको लेके चीज़ें बन सकती थी। इस मूवी के प्लॉट को और स्ट्रोंग किया जा सकता, और क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग किया जा सकता था। तो मेरी नज़रों में ये मूवी बहुत कमज़ोर है, बहुत स्लो है, बहुत लेंथी है, इसको कम कर सकते थे, स्ट्रोंग प्लॉट डाल सकते थे। ज़रूरी नहीं कि ये सारी की सारी, मुझे सारी इसमें नेगेटिविटी दिखी, कुछ एक चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे एलिमनी को लेके कि भी जब अपने हस्बैंड से अलग होने की बात थी तो उसकी जो तापसी पन्नू की जो एक फीमेल वो लॉयर है वो ये कहती है कि भाई हाँ तुम्हें एलिमनी लेनी चाहिए क्योंकि तुमने अपनी लाइफ जो है यहाँ दे दी, जो अपना करियर करियर जो है वो यहाँ दे दिया, तुम्हें एलिमनी लेनी चाहिए, यानी अपने हस्बैंड से अलग होने के जो तुम्हें पैसे ज़रूर लेने चाहिए। लेकिन इस पे तापसी पन्नू का जवाब यही होता है कि अलग होने का फैसला उसका, करियर छोड़ने का फैसला भी उसी का था, किसी ने उसे दबाव नहीं दिया। हाँ ये मुझे चीज़ें पसंद आई कि भाई हाँ आप ऐसे ही थोड़ा ना, देखो हमारे देश में बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते रहते हैं, वो झूठे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से यूज़ किया गया मुझे वो चीज़ें अच्छी लगी वहाँ पर, लेकिन कहानी स्ट्रोंग हो सकती थी। इसमें बहुत सारे कमज़ोर चीज़ें हैं यार, लेंथी होने के कारण एक बहुत धीरे 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 चीज़ चलती है इस मूवी में। अगर एक्टिंग की बात करूँ तो मूवी में एक्टिंग जो एक हस्बैंड और वाइफ के जो बीच रिलेशन होता है कि उसमें बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कहीं दिखा नहीं मूवी में, बिना एक्सप्रेशन लेस मुझे मूवी दिखी। चाहे किसी के भी आप एक्सप्रेशन की बात कर लो, चाहे तापसी की, चाहे उसके हस्बैंड पलवेल गुलाटी जी की, जो आप किसी की भी बात कर लो, इनके जो एक्सप्रेशन है वो बहुत कमज़ोर थे। ऐसा लगा नहीं कि हाँ सचमुच में हस्बैंड वाइफ का इन्होंने रोल किया। और जब वो तलाक ले रहे थे तो तलाक लेते वक्त उनको कोई रिग्रेट हो रहा था या दुख हो रहा था किसी चीज़ का, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा था उस मूवी में, मुझे देख के ऐसा कुछ लगा नहीं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारे समाज में, हमारे क्या हर समाज में हर महिला कॉम्प्रोमाइज़ करती ही है, तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है कोई बहुत बड़े रूप में करती हैं, या फिर हमारे समाज में बहुत सारी जो जो मर्दों की बहुत सारी जो थिंकिंग है वो बहुत गलत भी होती है, ऐसा मैंने खुद देखा है, पर्सनली मैंने ऐसा देखा है, पढ़े लिखे लोगों में ही देखा है, ऐसा नहीं कि जो अनपढ़ हैं उनमें ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं, बल्कि पढ़े लिखे जो गवार होते हैं ना, पढ़े लिखे गवार, उनके अंदर मैंने हंसी हरकतें देखी हैं। तो ऐसी व्यापक चीज़ें हैं जिनके अंदर एक स्टेरियोटाइप की एक सोच चलती आ रही है, उसको लेके एक मूवी बन सकती थी, बजाय एक ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लॉट के ऊपर मूवी बनाना। उन्होंने एक कमज़ोर के एक ऐसा कमज़ोर टॉपिक लिया, मुझे नहीं लगता कि ये मूवी बनाना कोई ज़रूरी था, कुछ और अच्छे तरीके से इसको बनाया जा सकता, कुछ नहीं, इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था। खैर अपनी अपनी सोच है, अपने अपने व्यू पॉइंट हैं, आपको अपनी पसंद होगी, आपकी पसंद आई होगी, बट मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई। मेरे हिसाब से तो ये मूवी इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी क्या बिल्कुल ही मुझे पावरफुल नहीं लगी। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।